इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। मोतिहारी पुलिस ने तस्करी के चरस के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार तस्करों के पास से एक कार सहित लगभग 26 किलो चरस पकड़ी गई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की आंकी जा रही है। एक तरफ जहां मुंबई में एनसीबी के अधिकारियों ने जगह जगह ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है, वहीं आज बिहार से महाराष्ट्र चरस की एक बड़ी खेप को ले जाने के क्रम में मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें मोतिहारी पुलिस ने दो तस्करों को धर दबोचा है। दोनों तस्कर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। बता दें कि मोतिहारी पुलिस को सूचना मिली थी कि एक मारुति स्विफ्ट कार में लाल रंग के कपड़े के बैग में चरस को मुजफ्फरपुर से मोतिहारी के रास्ते बाहर ले जाया जा रहा है। उस पर एसपी नवीन चंद्र झा ने एक टीम को गठित कर चकिया टोल प्लाजा नेशनल हाईवे 28 पर सफ़ेद रंग की स्विफ्ट को घेराबंदी कर दो लोगों को हिरासत में ले लिया और गाड़ी की डिक्की से लगभग 52 पॉकेट चरस को बरामद किया है, जिसका वजन लगभग 26 किलो 434 किलोग्राम है। गिरफ्तार दोनों तस्कर कुलार महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और ये लोग मुजफ्फरपुर बिहार से महाराष्ट्र जा रहे थे। सूचना प्राप्त हुई थी कि मुजफ्फरपुर से एक स्विफ्ट डिजायर कार आ रही है मोतिहारी की तरफ, जिसमें कुछ नशीला पदार्थ हो सकता है। उसके बाद टीम बनाकर रेड किया गया और चकिया टोल प्लाजा के पास से एक स्विफ्ट डिजायर कार को इंटरसेप्ट किया गया। उसके बाद उसमें से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और गाड़ी में एक लाल बैग में 52 पैकेट में नशीला पदार्थ चरस जैसा बरामद हुआ है, जिसका कुल वजन 26 किलो 434 ग्राम है। उस्मान सफ़ी और विजयवंशी प्रसाद दोनों ही कुलार महाराष्ट्र राज्य के हैं और ये इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग मुजफ्फरपुर से ये चरस खरीद कर और महाराष्ट्र जा रहे थे। इनका कुछ कनेक्शन महाराष्ट्र में जो भी इनका संबंध होगा, जिसको ये लोग देने जा रहे थे, वो हम लोग को पूछताछ के दौरान पता चल चुका है और आगे इन्वेस्टिगेशन में हम लोग कार्रवाई करेंगे। बॉलीवुड कनेक्शन दिए गए, अभी उसके बारे में कुछ भी कहना अभी संभव नहीं, आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि कहां से इसका संबंध। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए।